हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैं वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपांग वाइब्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिल्मोरा के कंटिन्यूशन में ही है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये अप्रोच है कि अगर आपके पास फिल्मोरा का सब्सक्रिप्शन नहीं है और आप उस फ्री वर्जन में फिल्मोरा से कोई वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें एक वाटरमार्क रह जाता है। तो उस वाटरमार्क को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो यही टेक्निक आज हम अपने डेमो में देखेंगे। तो आप टाइम को वेस्ट नहीं करते और डेमो करते हैं स्टार्ट। तो ये आ गए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब इस स्क्रीन पे हम क्या करते हैं, फिल्मोरा की एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं और हम करेंगे क्या, फिल्मोरा का एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस पे मैं एक इमेज लूँगा और उस इमेज की लेंथ में कर दूँगा करीब 5 से 7 सेकेंड या 10 सेकेंड लेट्स से, और उसके पीछे म्यूज़िक अटैच कर दूँगा। तो जस्ट मैं क्लिक करता हूँ उस बटन पे और मैं दो जो सपोर्टिव कंटेंट है, एक ऑडियो फाइल और एक इमेज फाइल को ऐड कर देता हूँ। कोई भी एक फाइल ले लेते हैं, लेट्स से ये ले मैंने, और एक ऑडियो फाइल भी ले लेते हैं। कोई भी एक ऑडियो फाइल ले लेते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको एक फिल्मोरा में एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसका जो फाइनल आउटपुट है वो वाटरमार्क फ्री होना चाहिए। तो उसके मैं करता क्या हूँ, पहले इमेज को मैं टाइमलाइन पे ड्रैग कर देता हूँ और इसको लेट से 15 सेकंड का कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्टिल इमेज है तो यहाँ पे कुछ एनिमेशन वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा, हम ऑडियो को इसके नीचे प्लेस कर लेते हैं और ऑडियो की लेंथ भी हम उतनी ही रखते हैं जितना हमारा इमेज है। तो हमारा फाइनल आउटपुट ये है, देखिए आप कि एक इमेज है उस पे बस हमने एक ऑडियो अटैच कर दिया है। तो ये 15 मिनट का जो हमारा वीडियो है ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो आउटपुट बने इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं आना चाहिए। अब एक्चुअली मैं एक लाइसेंस यूजर हूं, तो अगर मैं इस एक्सपोर्ट ऑप्शन को यूज करूंगा ना तो मेरा वीडियो आउटपुट तो जनरेट हो जाएगा लेकिन उसमें कोई वाटरमार्क आएगा नहीं। तो वाटरमार्क इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। बट ये वीडियो स्पेशली उन यूजर्स के लिए है जो जिन पे लाइसेंस नहीं है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है फिल्मोरा का और फ्री में यूज कर रहे हैं उसको। तो वो वाले यूजर इस अप्रोच को यूज करके वाटरमार्क फ्री वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली ये ऑप्शन भी फिल्मोरा खुद से प्रोवाइड करता है। अब आप देखेंगे ये रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, ये एक ऑप्शन है। आप यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन आते हैं रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन। तो जिस मोमेंट पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एक नया कंट्रोल पैनल ओपन होके आ जाता है। अब इस कंट्रोल पैनल की मदद से हम जो भी अपनी स्क्रीन है उसको रिकॉर्डिंग करके उसका फाइनल आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। और इस कंट्रोल पैनल के कुछ और ऑप्शंस हैं जो मैं एक्सप्लोर करके आपको बताता हूँ। जैसे टॉप में ही ये फर्स्ट जो है ये डायमेंशन है कि इस डायमेंशन का वीडियो बनेगा, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेकेंड है माइक्रोफोन, जैसे अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो अगर मैंने इसको ऑफ कर रखा है तो हमारी जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी उसमें वो रिकॉर्ड नहीं होगा, वो एक्चुअली हमें चाहिए भी नहीं। जो हमारा ये डेमो है उस डेमो को अगर हमें अचीव करना है उस अप्रोच को यूज़ करके, तो इसको हमें टर्न ऑफ करना है। ये सिस्टम साउंड है, यानी जो भी सिस्टम में प्ले हो रहा है उसको भी रिकॉर्ड करेगा, तो इसको हमको एक्टिव कर देना है ताकि जो वीडियो हम प्ले कर रहे हैं वो हमारे फाइनल आउटपुट का पार्ट बन जाए। ये कैमरा ऑन कर देंगे तो कैमरा दिख जाएगा साइड में, वो भी रिकॉर्डिंग का पार्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग ये है, ये हमारी फाइल का नाम, जो फाइनल आउटपुट हमारा बनेगा डेमो रिकॉर्डिंग करके मैंने नाम दे दिया इसका, इस नाम से हमारी फाइनल फाइल बनेगी। ये लोकेशन है जहाँ पे ये हमारा आउटपुट सेव हो जाएगा। 60 FPS है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, डिजायर्ड FPS आप यहाँ पे सेट कर सकते हो।
क्वालिटी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, लोअर रिकमेंड और हायर है। 3 सेकंड ये है कि जैसे आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे, इस बटन से रिकॉर्डिंग हमारे स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद ये 3 सेकंड का टाइम देगा रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए। स्टॉप रिकॉर्डिंग आफ्टर, ये ऑप्शन क्या है कि सपोज करो आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है लेकिन आपका इंटेंशन ये है कि 1 मिनट का ही वीडियो बने, 1 मिनट या 1 घंटा, मतलब किसी भी डेफिनेट टाइम का, चाहे वो 1.5 घंटा है, तो आप क्या कर सकते हो इस ऑप्शन को इनेबल करके जितनी देर का आपको वीडियो चाहिए वो टाइम आप यहाँ पे डाल दो, तो जैसे वो टाइम स्पैन लैप्स होगा ये वीडियो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, यानी उतनी ड्यूरेशन का ही वीडियो आपका बनेगा। इसको अभी हम कर देते हैं ऑफ। और ये है हाइड माउस जेस्चर। तो एक्चुअली जो अगर आप कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हो, आप किसी आइकन पे या किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक वगैरह करा रहे हो, तो क्लिक का जो इवेंट है वो कैप्चर नहीं करता है। अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो फॉर द टाइमिंग मैं इसको मतलब डिसेबल रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सपोज करो ये वाला ऑप्शन इनेबल है तो ये माउस पॉइंटर पे जहाँ जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा ना इस कलर का बबल निकल के आएगा वहाँ पे। तो लेट से हम येलो वाला ले देते हैं और ये इसको मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो वो माउस की या सिस्टम साउंड जो भी है वो सब भी रिकॉर्ड हो जाएगी, क्लिक की, कीबोर्ड की। और ये फाइनली F10 से क्या है, सपोज करो आपकी रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है लेकिन बीच में आपको कुछ एडिटिंग करनी है, पॉज देना है, तो F10 से आप पॉज और रिज्यूम, मतलब इस मतलब पॉज और रिज्यूम को टॉगल कर सकते हो दबा के। और लास्ट है F9 जो यहाँ पे विजिबल नहीं है। F9 से क्या है, सपोज करो आपकी रिकॉर्डिंग डन हो गई है तो F9 प्रेस करके आप इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए हमारा काउंटर सही है तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको स्टार्टिंग से ले लेता हूँ, इसको प्ले करता हूँ। तो अब जैसे ही वीडियो खत्म होगा मैं F9 प्रेस कर दूंगा और ये सब जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होगी। मैंने F9 प्रेस कर दिया है, हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग बंद होते ही जो हमारे रिकॉर्ड फाइल है, देखिए डेमो रिकॉर्डिंग नाम से हमने नाम दिया था, एक तो वो फाइल उस लोकेशन पर जाकर सेव भी हो गई है, प्लस हमारे इस प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट भी हो जाती है यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर ये है, मैं आपको उस लोकेशन पर जाकर दिखाता हूँ। डेमो रिकॉर्डिंग फाइल है, अब इसको मैं अगर प्ले करके दिखाऊं तो जहां पे मैं क्लिक करूंगा आप देखिए वहां पे वो बबल बन रहा है येलो कलर का। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में कहीं भी फिल्मोरा का वाटरमार्क नहीं है। तो इस अप्रोच को यूज़ करके हम वाटरमार्क फ्री वीडियो बना सकते हैं फिल्मोरा एप्लीकेशन को यूज़ करके। तो यही कंटेंट था जो मैंने प्रिपेयर किया था। अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपकी कुछ एडवाइस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट कर दें। तो अब इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पे। नमस्कार।